आज का महानगर में आपका स्वागत है। मीरा भायंदर के नवघर इलाके से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण करने की प्रयास करने की खबर सामने आई है। इस मामले में आक्रोशित लोग नवघर पुलिस स्टेशन के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मामला एक हफ्ते पहले का है। आरोपी ने 4 साल की बच्ची को धमका कर रखा था कि अगर वह ये बात किसी को बताती है तो वो उसे जान से मार देगा। एक हफ्ते बाद जब बच्ची के पिता को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने हिंदू संगठनों के लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कुछ लोगों ने आरोपी की दुकान में घुसकर तोड़ फोड़ की और उस आरोपी की भी जमकर पिटाई की। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय विधायक गीता जैन भी मौके पर पहुंची और पीड़ितों के घर वालों को शिकायत दर्ज कराने में मदद की और क्या जानकारी दी है इस पूरे मामले को लेकर गीता जैन ने, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। मैडम, एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना आई है, किस तरह से देखते हैं इस घटना को और क्या बोलेंगे शहर के जो पेरेंट्स हैं? बहुत ही शर्मनाक दुखद घटना, और पेरेंट्स को एक बात जरूर कहूंगी कि ऐसे लोग समाज में घूम रहे हैं, दरिंदे राक्षस, उनको जो बोला जाए वो कम है, लेकिन मानवता उनके कहीं भी आसपास भी नहीं रहती। ऐसी घटना करने वाले को जितनी कड़ी सज़ा मिले वो कम है। तो मैं तो इसमें ये भी कहूंगी कि जैसे हमारे जो दुबई वगैरह में जो कड़क सज़ा है ना, वैसी सज़ा इन लोगों को यहाँ भी कर लेनी चाहिए सरकार ने, ताकि थोड़ा खौफ पैदा हो। लेकिन उस पर पॉक्सो लगा है और उसको कड़ी से कड़ी सभी धाराएं लगाई जा रही है। और मैं फिर एक बार कहूँगी कि उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाए, और ऐसे जो लोग समाज में हैं उसे बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। इस घटना को हुए एक हफ्ता हो गया है, आज उसके परिवार वाले सामने आए हैं, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में थोड़ा शर्मिंदगी और डर रहता है, तो क्या बोलेंगे ऐसे माता पिता कि इस तरह के मामले को छुपाना नहीं चाहिए? बिल्कुल, क्या होता है, थोड़ा सा हमारा समाज ये सोचता है, देखिए जिस लड़की पे ये गुजरती है उसका तो कोई कसूर होता नहीं है, लेकिन सजा लड़की को मिलती है। आजू बाजू वाले लोगों ने पूछना, उस लड़की को बार बार सुनाना, जो मानसिक टॉर्चर लड़की को होता है उसकी वजह से माँ बाप थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि हम ऐसे केसेस बाहर नहीं लाए। मैं आप सभी के जरिए ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी होता है तुरंत आप पुलिस स्टेशन जाइए, तुरंत ही उस पर एक्शन लीजिए, और वो एक्शन तुरंत लेने से इस तरह से और कोई बच्ची पे भी अगर ऐसा होता होगा तो वो रुकेगा और थोड़ा सा खौफ हमारे समाज में भी रहेगा। खुलकर सामने आइए, कहीं कुछ बच्ची पे, बच्ची की कोई गलती नहीं होती, उस पर कुछ नहीं होगा, खुल के ऐसी बातों को सामने लाइए ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा तुरंत ही मिले। आप अगर इस तरह के पीड़ित आपके पास आते हैं तो आप उनके लिए क्या आह्वान? मैं तुरंत ही कहती हूँ कि चलिए सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन में चलिए, और जो जिस राक्षस ने ये किया है उसे सबसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं, सबसे पहला काम तो ये होगा। दूसरा काम कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बच्चियों को संभालना भी हमारा काम है। अब ऐसे हैवान क्योंकि घूम रहे हैं, बाकी बच्चे हैं वो तो हर तरह पंछी की तरह उड़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको हमें बंधन में रखना पड़ रहा है तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं चाहती हूँ कि वो जमाना वापस आए जब हमारे बच्चे भी खुल के जी सके, बस ऐसे हैवानों को सजा मिलती रहे। सर, जो है महिला सशक्तिकरण और महिला को जागरूक कर रही है, पर इस तरह के मामले जो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है थोड़ा सा शोषण होता है, इसके लिए आप किस तरह से प्रयास करेगी उनके को रोकने के लिए? महिला सबसे पहले तो एक आत्मविश्वास के साथ ऐसे मामलों को सामने लाए, अपने कोई भी अत्याचार हो, चाहे दहेज उत्पीड़न हो, चाहे कोई और प्रकार का उनका उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, तो तुरंत खुल के सामने आए। अब तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो ऐसी महिलाओं को साथ देती है, मैं खुद मेरी नारी सशक्तिकरण चला रही हूँ, बिल्कुल खुल के आए। अगर मीरा भाईंदर की कोई भी महिला हमारे पास आएगी तो हम उन्हें मदद करते हैं। ऐसे मामले छुपाने से और ऐसे सहन करने से भी महिला का शोषण, देखिए जो महिला शोषण सहन करती है उसका शोषण कम नहीं होता, तो वो दुख से हम कहीं उसको छुटकारा पा सके, दिला सके, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी।